सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। इन एन एग्जामिनेशन लाइक जेई मेंस और नीट आपका स्पीड बहुत मैटर करता है। इस समय काफ़ी बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। वो शायद एक घंटे में फिजिक्स का लेटेस्ट से 10 से 15 सवाल ही सॉल्व कर पाते होंगे, विच इज़ नॉट एट ऑल सफिशियंट फॉर सच एग्जामिनेशन। तो आज इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे हैक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कि जनरली टॉपर्स में पाया जाता है, राइट? इन माई स्टूडेंट करियर एज वेल एज इन माई टीचिंग करियर इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स आई हैव कम अक्रॉस मेनी टॉपर्स, चाहे वो आपका अंडर 100 रैंकर्स हो, अंडर 1000 हो, अंडर 5000 हो। ऑलमोस्ट सभी में कुछ कॉमन 5 पॉइंट्स है जो आपके साथ इस समय शेयर किया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। हमने कुछ दिन पहले ही ब्लॉक स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेन 2022 शेयर किया था और बहुत से बच्चे उस 20 डेज चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप भी फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा कि यह आपका कौन सा दिन चल रहा है। इज इट योर 3rd day, 4th day और यू हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट? चलिए तो अपने कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि 5 पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट आपका होने वाला है, दैट इज योर वेरी मच बेसिक एंड प्री रिक्विजिट, विच इज कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। आपको ये दोनों चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको रात को 2 बजे भी उठा के पूछूं कि बताओ बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज योर यू हैव टू हैव अ गुड मेंटल कैलकुलेशन। आप हर छोटी छोटी कैलकुलेशन को पेपर पे लिख लिख के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम। सपोज आपको 47 + 67 करना है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को मन में कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन भी करना है, स्क्वायर भी करना है, राइट, तब भी आप चीज़ों को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू बी योर गुड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी। अगर आपने सवाल को एक बार पढ़ लिया है तो वो सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप बार बार 2 से 3 बार सवाल को अगर पढ़ेंगे तो आपका समय वहां पे बर्बाद हो जाएगा, समय जाया होगा। चौथा जो आपका पॉइंट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी योर हैविंग अ गुड मैपिंग एबिलिटी। कहने का मतलब है कि अगर आपने सवाल पढ़ा, उसके बाद 5 से 10 सेकंड में आपके दिमाग में एक मैप बन जाना चाहिए कि मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करने वाला हूं, राइट? ताकि उसके बाद आप सिर्फ अपने पेपर पे उसको सॉल्व करने में समय लगाएंगे। एंड द फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाउ यू डेवलप दीज 4 skills। यू विल डेवलप दीज 4 skills बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। मोर एंड मोर प्रॉब्लम प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्लॉज, वर्क ऑन इट एंड इंप्रूव योर स्पीड। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं और आप इस पे अमल करके, इसको इम्प्लीमेंट करके अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।